الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل من بينكم مودة ورحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أبد للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم رواه الترمذي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی و برتری اس بات رب العزت کے لیے لائق و ذمہ ہے جو خالق کائنات ہے و مالک ارض و سما ہے تمام قسم کے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں وہ وحدہ لا شریک لہ ہے وہ اپنی مرضی اور مشیت کے مطابق پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے کسی سے مشورہ اور کسی سے صلاح لینے کی اسے کوئی ضرورت نہیں وہ فعال لما یرید ہے وہ تنہ تنہا ہے وہی حقیقی معبود ہے جو شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کے برابر اس کے کفو اس کے ہمسر اس کے مد مقابل اس کا کوئی ساجی کوئی شریک نہیں ہے وہ بات رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہے ہم لوگوں پر کہ اس نے ہمیں اہل ایمان بنایا مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا مسلمان بنایا ایمان کی دولت سے نوازا مزید کرم یہ ہوا کہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے
हमारी भलाई के लिए, जहन्नम से बचाने के लिए, जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए, कामयाबी और कामरानी के लिए बेशुमार नबियों को, पैगंबरों को, रसूलों को इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। हजार हजार दरूद व सलाम नाज़िल हो उस हस्ती अक़दस मुक़द्दस मुतहरा मुबारक पर जिनका नाम नाम-ए-गिरामी अहमद मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। मेरे मोहतरम बुजुर्गो, दोस्तों, आजीज साथियों, आपको मालूम है कि हमारे मुआशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां जन्म ले चुकी हैं। घड़ी घड़ी पे बुराइयां, कदम कदम पे नाफरमानियां, चाहे वो फर्द हो, इज्तिमाई शक्ल में हो या इंफरादी शक्ल में हो, चाहे वो घरों के अंदर हो या मुआशरे के अंदर हो या शहर में हो, दुकान में हो या मकान में हो, हर जगह बुराइयों का उरूज है। आजकल की जो बुराइयां हैं, सबसे ज्यादा बुराइयां और नाइंसाफी और हक तलफी और सुन्नत से दूर इन चीजों में है शादी ब्याहों के मौके पर, पहली बात। दूसरी बात, विरासत के मामले में और नाफरमानियां तिजारत और कारोबार में। ये जो तीनों मामलात हैं, ये तीनों चीजें हैं, इन तीनों चीजों के अंदर इंसान अक्सर व बिस्तर नाफरमानियां करता है, शरीयत का पास और लिहाज नहीं रखता, अपनी मर्जी के मुताबिक वो काम को अंजाम देता है। इन तीन चीजों को अगर हम कंट्रोल कर लें, शरीयत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक अगर इस काम को हम कर लें, तो हद तक इम्कान किसी ना किसी तरीके से हम कामयाब हो जाएंगे। आगे जो सीजन आ रहा है वो शादियों का सीजन आ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, शादी ब्याहों में बेतहाशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियां होती है। इस्लाम के मुताबिक हमारा शादी ब्याह नहीं होता, हर घड़ी घड़ी में हम नाफरमानियां करते चले जाते हैं। इस्लाम के मुताबिक हमारी शादी होनी चाहिए, हमारा निकाह होना चाहिए, सुन्नत के मुताबिक निकाह होगा, सुन्नत के मुताबिक शादी होगी, जिंदगी में खुशहाली आएगी, घर के अंदर खैर और बरकत होगी, दुनिया बनेगी, आखिरत बनेगी, औलाद फरमाबरदार होगी, नाफरमानियों से अल्लाह तबारक व तआला उनको बचाएगा। ये निकाह, ये शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इस्लाम के अंदर बड़ी अहमियत के हामिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तज़व्वजा फ़क़द इस्तकमला निस्फ़ल ईमान, जिसने शादी की तो गोया के उसने आधा ईमान मुकम्मल कर लिया। ये पूरा ईमान है, आधा ईमान उसका मुकम्मल हो गया। फरमाया, और जो आधा ईमान बचा हुआ है उस ईमान की हिफाजत करे, उस ताल्लुक से अल्लाह से डरता रहे इंसान। एक तो आधा ईमान आपने मुकम्मल कर लिया, अब आधा ईमान बचा हुआ है उसके ताल्लुक से अब अल्लाह से डरे, उसकी हिफाजत करे। मेरे प्यारे साथियों, ये शादी ब्याह, इसका हुक्म सिर्फ सुन्नत से साबित नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद हुक्म दिया है कुरान करीम के अंदर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी मसलहतें हैं। फरमाया,
وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَإِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ। बहुत सारे लोग ये समझते हैं, बहाना करते हैं, हीला साजी करते हैं, हम शादी के लायक अभी नहीं है, हमारा कारोबार नहीं है, हमारा भी जॉब का जुगाड़ नहीं हुआ है, अभी हमारी उम्र नहीं हुई है, मुकम्मल तरीके से माल और दौलत इकट्ठी हो जाए, कोई बेहतरीन नौकरी मिल जाए, कोई बेहतरीन कारोबार हो जाए, अपने पैर पे हम खड़े हो जाए, उसके बाद हम शादी करें। अभी तंगी है। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है, वान के कुल आयाम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम। ए लोगों, बेनिकाह मत और बेनिकाह औरतों की तुम शादी करो, बेनिकाह मत बेनिकाह औरतों का तुम निकाह करो, और तुम्हारे अंदर में जो गुलाम है, बानिया है, उनका भी निकाह कर दिया करो, उनकी भी शादी कर दिया करो। वही अपनों फबारा इतनी मूल लाहू बिन पदली, अगर वो तंदरुस्त है, मुक्ताजी के आलम में है, उनके पास कुछ नहीं है, जिंदगी सही तरीके से नहीं कट रही है, वो उनकी जिंदगी में तंगी है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हम उसकी तंगी को दूर कर देंगे, उसकी मुहताजी को दूर कर देंगे, उसकी जिंदगी को खुशहाल बना देंगे, इस शादी और ब्याह निकाह की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी को बेहतर बना देगा, उसकी जिंदगी में खुशहाली लाएगा, उसकी अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, यानी तुम्हारे अंदर इतना है कि तुम अपनी बीवी को खिला सको, पहना सको, बीवी का नाम लफ्फा उठा सको, जिस्मानी तौर पर अगर तुम ताकतवर हो, जिस्मानी तौर पर तुम्हारे अंदर कोई ऐब नहीं है, बीबी के हुकूक को तुम पूरा कर सकते हो, इन गुमुल बापलिया का संबंध तो तुम जरूर शादी करो। अब शादी करने से क्या होता है, उखरा भी फायदा तो है ही है, दुनिया भी फायदा ये है कि इंसान बहुत सारी बुराइयों से बच जाता है। فَإِنَّهُ أَغَلُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ। ये निकाह, ये शादी तुम्हारी निगाहों को नीची कर देगी, वो अहसनु लिलफरजि, ये शादी क्या करेगी, तुम्हारी इज्जत व आबरू की हिफाजत करेगी। निकाह इज्जत व आबरू की हिफाजत करता है, निगाहों को नीची कर देता है, गलत कार्यों से रोक देता है, मुआशरे के अंदर उस इंसान को मुअज्जज बना देता है, इज्जतदार बना देता है, और जो निकाह नहीं करता, निकाह से पहलू तही करता है, तो गोया के मुआशरे के अंदर वो नंगा है। हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना। औरत मर्द के लिए लिबास है और मर्द औरत के लिए लिबास है। अगर ये चीज नहीं है तो वो लिबास खत्म, फिर वो नंगा है, मादर साथ नंगा है वो, और नंगे आदमी की मुआशरे के अंदर कोई है और कोई कदम की मत नहीं करती। मेरे प्यारे साथियों, और अगर किसी के अंदर ताकत नहीं है, कुवत नहीं है, जिस्मानी तौर पर वो कमजोर है, या उसको ऐसा लगता है कि निकाह करने के बाद हम बीवी को सही तरीके से रख नहीं पाएंगे, हमारा विचार थोड़ा कड़ा है, सख्त है, अपनी बीवी को मारेंगे पीटेंगे, मिजाज से मिजाज नहीं मिलेगा, सख्त मिजाज का आदमी है, उसको लगता है कि निभा नहीं हो पाएगा, हमारी बनेगी नहीं, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया फाली ही बिसौम, फिर वो रोजा रखे, रोजा रखने से शहवत कमजोर हो जाएगी, निकाह की तरफ या जिना की तरफ उसका नफ्स मायल नहीं होगा, रोजा रखने के लिए कहा गया। अगर ताकत और कुवत नहीं है, इंसान अगर मजबूर है, तो उसका भी इलाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया, पाले ही सौम, वो रोजा रखेगा, रोजा से जो है जिसमें कमजोर होगा नफ्स जो है वो दब जाएगा, मर जाएगा, फिर वो गलत कार्य से रोक जाएगा।
मेरे प्यारे साथियों, इंसान के मामला में, इंसान की जिंदगी में बहुत सारी चीजें आती है जिससे इंसान उलझ जाता है, चाहे वो सुकून नहीं पाता है, बेकरार हो जाता है। तो एक इंसान को सुकून कहां मिलेगा, इत्मीनान कहां हासिल होगा? उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंतजाम कर दिया है, और वो इंतजाम बीबी की शक्ल में किया है। फरमाया हमने आया कि अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा व जअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह की निशानियों में से ये बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह ने तुम्हारे जिंस में से तुम्हारे लिए बीबी को पैदा किया ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। और बीबी और मर्द के दरमियान अल्लाह तबारक व तआला ने मोहब्बत पैदा फरमा दी, रहमत पैदा फरमा दी, रहमत डाल दी। बीबी और शौहर के दरमियान जो मोहब्बत होती है वो लाजवाब मोहब्बत होती है, वो बेइंतहा मोहब्बत होती है। अब उस मोहब्बत के साथ साथ रहमत भी है। सिर्फ अगर मोहब्बत होती तो पता ही चला मोहब्बत तो जवानी में हो रही है, जवानी खत्म, इंसान बूढ़ा हो गया, बीवी देख रेख नहीं कर रही है, छोड़ के चली गई, मोहब्बत नहीं कर रही। लेकिन उस मोहब्बत के साथ रहमत है, इसलिए जिस तरीके से जवानी में वो मोहब्बत कर रही है, अपने शौहर की खिदमत कर रही है, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो बुढ़ापे में भी उसी को ऐसे ही वो खिदमत कर रही है, वैसे ही मोहब्बत वो कर रही है, क्योंकि उसके अंदर रहमत है। मेरे प्यारे साथियों, मोहब्बत के साथ रहमत शामिल है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने लड़कियों को, खवातीन को, बीवियों को रहमत करा दिया है। जब ये घर के अंदर पैदा होती है तो रहमत लेकर के आती है, बहुत सारी रहमतों को लेकर के पैदा होती है घर के अंदर। जमाना जाहिलियत की तरह नहीं, जब उनमें कोई बच्ची पैदा होती थी तो उनका दिल सुकड़ जाता था, चेहरा काला पड़ जाता था। वैदा बुशरहतहुम बिलउंसा ज़ल्ला वजूहुम मुस्वद्दा वहुवा कज़ीम। जब किसी को लड़की की खबर दी जाती थी कि तुम्हारी यह लड़की पैदा हुई है, उसका चेहरा काला पड़ जाता था, दिल के अंदर ही वो घुटता रहता था, सोचता रहता था अब क्या करें, इस लड़की की परवरिश करे, ये इसको मार डाले, जिंदा दफन कर। अब वही एक झलक हमारे अंदर, किसी की यहाँ जब लड़का पैदा होता है बड़ी खुशी होती है, मिठाइयां तकसीम होती है, वक्त पर अजान भी दी जाती है, कान के अंदर हदिया तोहफा भी दिया जाता है, वक्त पर अकीदा भी दिया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अपने दिल से पूछो, जब किसी लड़की पैदा होती है तो दिल में थोड़ी सी मायूसी पैदा हो जाती है, कहीं कहीं तो अजान भी नहीं दी जाती है, वक्त पर अकीदा भी नहीं किया जाता है, फिर वो बताता भी नहीं किसी से कि हमारी यहाँ लड़की पैदा हुई है। लेकिन अगर शरीयत मालूम होती, उसकी अहमियत मालूम होती, मेरे प्यारे साथ ही अपनी लड़की पैदा हुई घर के अंदर रहमतों का नूर होता। इस बारे में कुछ हदीस सुन लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सही हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस, कि किसी के यहां अगर कोई लड़की पैदा हो, जब लड़की पैदा होती है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों को भेजता है, ये फरिश्तों उस घर के अंदर तुम चले जाओ और उस घर वाले को सलाम करो। फरिश्ते उस घर के अंदर नासिल होते हैं, मजमू ज़वाइद की रवायत में भी इसी तरह लिखा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब फरिश्ते घर के अंदर आते हैं जहां पर लड़की पैदा हुई हो, आकर के अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत, घर वाले को सलामती पेश करते हैं, ये घर वालों तुम्हारे ऊपर सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो। फिर वो फरिश्ते अपने पैरों के साये में उस बच्ची को ले लेते हैं और उस बच्ची के सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं ये कितना कमजोर है, ये कितनी कमजोर जान है, इस कदर कमजोर है, कमजोर जान से पैदा हुई है। फिर फरिश्ते कहते हैं इस बच्ची की जो किफालत करेगा, इसकी जो देख रेख करेगा, इसकी जो हिफाजत करेगा,
इसका जो खर्चा उठाएगा, इसकी जो निगरानी करेगा, अल्लाह तबारक व तआला कयामत तक उसकी मदद करता रहेगा। दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसके यहाँ तीन लड़कियां हो, तीन बहने हो, सही तरीके से दीनी तालीम से उनको आसना कर दिया हो, सही तरीके से उनकी परवरिश की हो, तरबियत की हो, और बड़े होने के बाद फिर अच्छे घराने में उनकी शादी कर दी हो, तो कल क़यामत के दिन मैं और वो उनकी किफ़ारत करने वाले जन्नत के अंदर बिल्कुल इस तरह होंगे, यानी वो जन्नत के अंदर मेरा वो रफीक बनेगा, वो मेरा साथी बनेगा, जन्नत के अंदर वो मेरे साथ होगा, यानी इस तरीके से तो उंगलियां मिली हुई है उस तरीके पर हम और वो होंगे कल क़यामत के दिन जन्नत के अंदर, जिसने तीन लड़कियों की परवरिश की हो। सवाल करने वाले ने सवाल किया, अगर दो हो तो अल्लाह के नबी ने कहा, अगर दो हो और सही तरीके से उन्होंने परवरिश की और अच्छे घर में शादी की, तो उसका भी वही हाल है, वो भी जन्नत के अंदर जाएगा। किसी ने सवाल किया, अगर एक हो तो कहा, अगर एक हो फिर भी ऐसा ही मामला होगा, वो जन्नत के अंदर जाएगा। अब ये लड़कियां जहन्नम के लिए आड़ बन जाएंगी। आपको मालूम है कि ये सच्चा वक्त है। अब्दुल मालिक मुजाहिद ने अपनी किताब के अंदर नकल किया है, सऊदी अरब का वाकया। इस तरीके से लड़कियां जहन्नम के लिए आड़ बनती है। एक आदमी, उसने शादी की, उसके यहां पहली लड़की पैदा हुई, दूसरी लड़की पैदा हुई, तीसरी पैदा हुई, अब उम्मीद है, हो सकता है कि चौथी बार लड़का पैदा हो जाए, चौथा लड़का पैदा, चौथी लड़की पैदा हो गई। इस तरीके से मुसलसल छह लड़कियां पैदा हो गई। अब वो बेचैन है, बेकरार है, करे तो करे क्या, गुस्से में आकर के, दहशत में आकर के अपनी बीवी से कहने लगा कि बार बार सिर्फ लड़कियों को जन्म देती हो, तुम क्या मामला है तेरा। उनको पता ही नहीं है कि ये लड़की का पैदा होना, लड़के का पैदा होना, बांझ होना, किसी का औलाद ना देना, ये अल्लाह के प्यार में है, वो बेचारी क्या करेगी। अपनी बीवी से कहने लगा कि नहीं, अगर साथ भी बड़ा, अगर बच्ची पैदा होती है, लड़की पैदा होती है, तो तुमको मैं तलाक दे दूंगा, घर से निकाल दूंगा। बात भी करने लगा। अब बीवी परेशान, चौथी बार वहां मेरा है, पेट में बच्चा है, साथ भी बच्ची पैदा हो तो उसको तलाक दे दी जाएगी, उसको घर से निकाल दिया जाएगा। वो परेशान हाल है, वो आदमी रात को सोता है, अब सोने के बाद वो ख्वाब देखता है कि कयामत बर्बाद हो चुकी है, पूरी दुनिया खत्म हो गई, हशर कायम हो गया, कयामत का मैदान है, सबका हिसाब और किताब लिया जा रहा है, मेरा भी हिसाब और किताब होगा, मैं जहन्नमी करार दे दिया गया, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे बारे में यह हुक्म सादिर फरमा दिया कि ये जहन्नमी है, ये फरिश्तों इसको ले जाओ और जहन्नमी के अंदर, जहन्नम के अंदर इसको दाखिल कर दो। फरिश्ते उस आदमी को, फरिश्तों ने उस आदमी को बांधा, जंजीरों से जकड़ करके जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। जहन्नम के दरवाजे पर गया, देखा कि जहन्नम के दरवाजे पर एक लड़की खड़ी हुई है, वो अपनी लड़की, पहली बड़ी लड़की, वो लड़की, उस लड़की ने जब अपने बाप को देखा तो आकर के अपने बाप के सीने में चिमट गई और अल्लाह तबारक व तआला से कहने लगी, या अल्लाह आलमीन, ये तो मेरा बाप है, दुनिया के अंदर मुझे खिलाया पिलाया, मेरी परवरिश की, मैं इसको जहन्नम के अंदर जाने नहीं दूंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि दो से दरवाजे से इसको ले जाओ, जहन्नम में डाल दो। दूसरे दरवाजे पर वो गया, वो फरिश्ते लेकर के जाते हैं, दूसरे दरवाजे पर दूसरी लड़की खड़ी हुई है, फिर वो लड़की आती है, अपने बाप से चिमटती है और कहती है कि अल्लाह तबारक व तआला, ये तो मेरा बाप है, ये जहन्नम के अंदर जा रहा है, दुनिया के अंदर इसने मेरी इबादत की, मुझे खिलाया पिलाया, मैं जहन्नम के अंदर इसे जाने नहीं दूंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तीसरे दरवाजे से ले जाओ। इसी तरीके पर छह दरवाजों का दौरा कर लिया और हर एक दरवाजे पर हर एक लड़की पड़ी हुई थी, जो बिल्कुल दरवाजा के बीच में वो दरवाजा बिल्कुल बंद था। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि सातवें दरवाजे के पास ले जाओ। सातवें दरवाजे पर वो जाते हैं, देखते हैं वो दरवाजा बिल्कुल खाली है, क्योंकि सातवीं लड़की थी ही नहीं, छह लड़की थी, छह जहन्नम के छह दरवाजे पर पड़ी हुई थी, जहन्नम में जाने नहीं दिया। सातवें दरवाजे तक वो पहुंचे और जहन्नम उसको डाला गया, और जैसे ही डाला गया, इसकी आंखें खुल जाती है।
पे खुल जाती है, देखा कि तो मैं तो दुनिया के अंदर हूँ। फौरन वो बीबी के पास भागता है और कहता है कि मेरी बीबी मुझे माफ कर देना, मैंने तो ये मंजर देखा है, वो सारी मेरी लड़कियां जहन्नम के दरवाजे पर खड़ी हुई थी, ये लड़कियां अगर ना होती तो मैं जहन्नम के अंदर चला जाता, इन लड़कियों ने जहन्नम में जाने से बचा लिया, ये मेरी बीबी मुझे माफ करना, तो मैं तलाक नहीं दूंगा, बल्कि तुम दुआ करो कि सातवीं बार यानी सातवीं लड़की पैदा हो जाए ताकि वो एक दरवाजा खाली है, वो दरवाजा मुकम्मल हो जाए, पूर हो जाए, अब जहन्नम जाने का इंसान भी ना बचे, वो सातवीं लड़की पैदा हो ताकि वो जहन्नम का जो खाली दरवाजा है उसमें खड़ी हो जाए। वो लड़की के लिए दुआ करना मेरे प्यारे साथियों, बिना के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये लड़कियां ये खवातीन जहन्नम के लिए हार है, माँ बाप के लिए सही तरीके से माँ बाप ने सही परवरिश की, सही तरबियत की, दीनी तालीम सिखाया, खातून हो लड़की हो जिसको आप पैगाम दे रहे हैं तो पैगाम आप किसको देंगे, किस तरीके से देंगे, उसकी इब्तिदा कहां से होगी। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसूल बतलाया, जो कायदा बतलाया, उस कायदे के खिलाफ और भी हो रही है कहीं ना कहीं। आज मंगनी होती है, लड़कियों को देखा जाता है तो दूसरे लोग जाते हैं देखने के लिए, जिससे शादी हो रही है लड़का कभी देखता है, हर वक्त जाकर रज़ी अल्लाह तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और आकर के कहते हैं अल्लाह के नबी मैंने एक लड़की से मंगनी की है, मैंने पैगाम भेजा, बातचीत हो गई, शादी होने वाली है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इज़ा खतब अहदुकुम अल-मर'अता हल इस्तता'अ अन यंज़ुरा इला मा यकूनु इला निकाहिहा, कि जिससे बातचीत हुई है उसको तुमने देखा नहीं देखा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसको पैगाम दे जिस लड़की को चाहिए कि वो लड़का एक नजर उस लड़की को देख ले, देखना चाहिए, जाओ देखो। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं जब अल्लाह के नबी ने ये हदीस बयान फरमाई तो मैं रास्ते के पास खजूर के तने के पीछे में छिप गया ताकि मैं उस लड़की को देखूं, जब से निकलेगी मैं देखूं। कई दिन तक ये मामला चलता रहा, देखने के चक्कर में मैं छिप जाता था खजूर के तने के पीछे, लेकिन लड़की नजर नहीं आई। कई दिनों के बाद लड़की निकली और उस लड़की को मैंने देख लिया, जब देख लिया तो निकाह की ख्वाहिश पैदा हुई थी के अंदर, उसके ताल्लुक से मोहब्बत पैदा हो गई और उस लड़की को मैंने निकाह कर लिया, मैंने शादी कर ली। तो बाद में जिंदगी बड़ी खुशहाली के साथ, बड़ी मोहब्बत करने वाली थी। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि जब तुम लड़की से शादी करो तो तुम खुद देखो, बाप नहीं देखेगा, भाई नहीं देखेगा, ताया नहीं देखेगा, दोस्त अहबाब नहीं देखेंगे। अल्लाह के नबी ने यह नहीं फरमाया, एक अंसारी एक सहाबी रसूल आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि अल्लाह के नबी मैंने एक लड़की से बात चलाई और मैंने पैगाम भेजा, मंगनी हो गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुमने देखा कि नहीं, जाओ देखो, क्योंकि अंसारियों की औरतों में उनके आंखों के अंदर कुछ होता है, कुछ ऐब होता है, तुम अच्छी तरह देख लो ताकि बाद में ये बवाल पैदा ना हो शादी करने के बाद कि लड़की कैसी है वैसी है, ये तो ऐबदार है, फिर तुम्हारा निकाह खुल जाए, फिर तलाक हो जाए, तो पहले ही जाकर के देखोगे नजर गए होते। अब ये है कि कोई नहीं देखेगा, अल्लाह के नबी ने कहा नहीं था कि माँ को भेज देना, बहन को भेज देना, रिश्तेदारों को भेज देना, अल्लाह के साथ तुम शादी करो, तुम जा करके देखो, ये इब्तिदा होती है यहाँ। आजकल ये रिवाज है ही नहीं, ये सुन्नत है ही नहीं मेरे प्यारे साथियों। अब आपको कौन सी लड़की इख्तियार करनी है, किस लड़की को फौकियत देनी है, उसका भी हल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जिस तरीके से लड़की घर में आनी, किस तरीके से लड़की घर में आए और वो लड़की घर के मामला को संभाल ले और घर के घर की जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को खत्म कर दे, और नेक लड़की जब घर के अंदर आएगी, सॉलिह लड़की घर के अंदर आएगी तो पता ये चलेगा कि घर के तमाम मामला सुधर जाएंगे, वहीं से भलाइयां शुरू होगी, वहीं से रहमतों का नुज़ूल होगा। बदकारा लड़की, बेहाया बेशर्म लड़की, अनपढ़ लड़की,
इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप लाओगे किसी मान और दौलत के चक्कर में तो जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सहाबी रसूल बयान करते हैं कि जब यह आयत नाज़िल हुई, الذين يكنزون الذهب والفضة وينفقونها في سبيل الله, कि जो लोग माल और दौलत जमा करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उनके लिए जहन्नम की बशारत है, जहन्नम की आग है। तो सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी, दुनिया में से हम किस चीज को इख्तियार करें, तो ऐसी चीजें बता दें। तो अल्लाह के नबी बयान फरमाया, فَلْيَتَّقِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً صَالِحَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ। ये मेरे सहाबा सुनो, दुनिया की जितनी चीजें हैं सब से वो जीनत की चीजें हैं, सब हलाकत और बर्बादी की चीजें हैं। दुनिया के अंदर दुनिया की चीजों में से तुम इख्तियार करना चाहो तो तीन चीजों को तुम इख्तियार कर लो। अपने दिल को शुक्र गुजार बना लो, तुम्हारा दिल अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करे, सबर करने वाला दिल हो, वलिसान ज़ाकिरा और जुबान को ज़ाकिर बना लो, जिक्र करने वाली जुबान बना लो, वज़ौजतन सालिहतन और नेक बीवी को अपने घर के अंदर लाओ, वो नेक बीवी अपने शौहरों के लिए मददगार साबित हो, कल क़यामत के ताल्लुक से अपने शौहर को डराए, अपनी औलाद को डराए, दीन के मामले में वो मोमिन और मददगार साबित हो, मदद करे। ऐसी औरत को, ऐसी बीवी को अपने घर के अंदर लाओ। जब ऐसी बीवी घर के अंदर आएगी, कुरान पढ़ने वाली होगी, कुरान को समझने वाली होगी, हदीस को समझने वाली होगी, तो फिर औरतों के मर्दों के अंदर जो उयूब हैं, जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों से वो रोकेगी। शौहर अगर बेनमाजी है तो उसको बेनमाजी है तो उसको नमाजी बना देगी, शौहर अगर नाफरमान है तो उसको फरमाबरदार बना देगी, शौहर अगर शराबी है तो उसकी शराब को छुड़ा देगी, शौहर अगर शिर्क बिदात या रस्मात के दीवाने हैं तो उन बुराइयों को भी वो खत्म कर देगी। बच्चे जब पैदा होंगे, औलाद होंगी, तो औलादों के अंदर जो बुराइयों को वो खत्म करेगी, सही तरीके से औलाद की तरबियत वो करेगी। अगर इस तरह नहीं है तो फिर वो औलादों की तरबियत नहीं कर सकती है। इसलिए अल्लाह ने इस वचन फरमाया, तुम कहूँ मरता तो लिखा पाई नहीं मा लिहा हसब है वाली जमा लिहा इस हदीस के अंदर देखिए कि चार चीजों के लिए औरतों से शादी की जाती है। अब अल्फाज पर आप गौर करें तो पता ही चला कि माल का लफ्ज सबसे पहले आया, इसलिए कि जो शादी करने के लिए कोई जाता है, बात जब चलाता है तो सबसे पहले माल नजर आता है कि ससुर जी के पास माल है या नहीं है, ससुर का बहुत अच्छा और बढ़िया जॉब या अच्छी नौकरी है या नहीं है, ससुर जी के पास प्रॉपर्टी है या नहीं है, बहुत बड़ी दुकान है या नहीं है, बहुत बड़ा आलीशान मकान है या नहीं है, अगर है तो मिलेगा, अगर नहीं है तो कहां से मिलेगा। सबसे पहले जहन माल की तरफ जाता है और माल की तरफ भागता है। लड़की के अंदर वो नफाइश नहीं देखते, लड़की दीनदार नहीं देखते कि वो दीनदार लड़की का इंतखाब हम करें, इसलिए माल का जिक्र है। मेरे प्यारे साथियों, मालदारी ना देखें, दीनदारी देखें, शक्ल की तरफ ना जाए बल्कि अकल की तरफ जाए, अकल वाली लड़की को लाइए, दीनदार लड़की को लाइए, मान पूछे ना वरना पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। आज दीनदार लड़की अगर घर के अंदर होती, दीनदार खातून, दीनदार बीवी घर के अंदर होती तो हमारे घर के तमाम मामले दुरुस्त हो जाते, सही हो जाते। आज हमारी औलाद की तरबियत क्यों बढ़ रही है, हमारी आवाज नाफरमान क्यों हो रही है, हमारे बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं, पढ़ नहीं पाते, जहन में पढ़ाई घुसती नहीं है, सबक याद नहीं होता है, गलत सोहबत की वजह से लड़के बिगड़ जाते हैं, हमने अपने घर के अंदर वो माहौल बनाया ही नहीं कि हम उनकी सही तरीके से दीनी तालीम और तरबियत करें, बच्चों को सिखाए, लिखाए, पढ़ाए। ये माँ की जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी है। बाप को तो फुर्सत ही नहीं है काम करने से, वो तो बाहर ही रहता है, और माँ घर पे रहती है तो उनको टीवी देखने से फुर्सत नहीं, सीरियल देखने से फुर्सत नहीं, मोबाइल देखने से फुर्सत नहीं, दीगर कामों से दूसरों की चुगली की बात करने से उनको फुर्सत नहीं, औलाद की तालीम में तरबियत कैसे करेंगे, बच्चे पढ़ता के जाए उनको बैठाए पढ़ने के लिए,
बेटा पढ़कर कराए और सबक सुनाओ, सबक याद कराए, जहन नशी कराए, हदीसें याद कराए, कुरान याद कराए। घर की अगर तालीम, घर का निजाम अगर इस तरह नहीं है, मजी से गया गया बच्चा पढ़ते से गया पढ़ते बच्चा आवारा हो गया, घर में कोई माहौल ही नहीं है पढ़ने पढ़ाने का, तो बच्चा कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। कितनी भी मेहनतें करो, घर के अंदर सिस्टम बनाओ, माँ बाप को ध्यान देना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, माल के लिए औरत से शादी की जाती है, हसब नसब खानदान बिरादरी देखी जाती है। जमाना जाहिलियत के अंदर बिरादरी देखी जाती थी और हसब नसब पर वो फखर किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में भी ऐसी हालत पैदा हो जाएगी कि जमाना जाहिलियत की जो आदत है हसब नसब और खानदान पर फखर करना, मेरी उम्मत के लोग भी करेंगे। ये कभी खत्म नहीं हो, यहाँ इफ़्रात और तफ़रीत के लोग शिकार हो रहे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि गैर खानदान में गैर बिरादरी में शादी ही नहीं करते, और कुछ ऐसे लोग हैं कि अपने बिरादरी में शादी नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने खानदान के अलावा दूसरे खानदान में दूसरी बिरादरी में शादी नहीं करते। वो आप में ये है कि आप तौहीद ही समझते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं बहुत सारे इलाके चले जाइए कि अपने रिश्तेदार में अपने खानदान के अंदर अपनों में शादी नहीं करते। वो ये जहालत फैली हुई है मेरे प्यारे साथियों, इसकी कोई हकीकत नहीं है। या अयुहन नास इन्न खलकनाकुम मिन ज़करिन उन्था वजअलनाकुम शुयूबन वक़बाइला लितअरफ़ु इन्न अक्रमकुम इंदल्लाह अत्तक़वा। खानदान बिरादरी की कोई हैसियत नहीं है, जो दीनदार है, परहेज़गार है, अल्लाह से डरने वाला है, तक़वाशियार है, उसी की अहमियत अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ। फिर खूबसूरती देखी जाती है, बाद में दीन का मामला आता है। चलो कुरान अगर पढ़ रखा है उसने, अगर दीनी तालीम है तो चलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे पीछे। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया खास कर के साथ कि दीन इन तमाम चीजों को छोड़ो, दीनदारी से इख्तियार करो, दीनदार औरत को घर के अंदर लाओ। मेरे प्यारे साथी, दीनदार औरत अगर आएगी तो घर के अंदर खुशहाली पैदा होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं शामिल हाल हुई। आपने नहीं देखा एक दीनदार लड़की जैसी थी सहाबा के जमाने में, आपने जुलैबी का नाम तो सुना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जुलैबी आया करते थे, कुरान करीम की तालीम हासिल किया करते थे, दीनी तालीम हासिल किया करते थे। गरीब सहाबी हैं, माल दौलत नहीं है, देखने में बिल्कुल काले हैं, शक्ल सुंदर नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जुलैबी की उम्र बहुत ज्यादा हो रही है, कहा अल्लाह का कसम पर दुनिया जुलैबी, ये जुलैबी तुम शादी क्यों नहीं कर लेते, शादी तो करो कम से कम, उम्र हो रही है। जुलैबी ने कहा कि अल्लाह के नबी मुझसे कौन शादी करेगा, मेरा खानदान भी इतना बड़ा नहीं है, मेरे पास माल और दौलत नहीं है, मेरी शक्ल सूरत भी नहीं है, कौन मुझे शादी करेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मोहम्मद के दीन में अगर तेरे लिए हल ना निकला तो फिर कौन सा ऐसा मजहब है जहां पर तेरा हल निकलेगा। ये जुलैबी तुम चले जाओ फरांसारी साहबी के यहाँ, उनके घर में चांद जैसी खूबसूरत लड़की है, मेरा नाम बता देना और कह देना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, उनको बुला करके लाओ, अभी शादी करता हूँ। जुलैबी जाता है और बुला करके लाता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह के नबी ने कहा ये अंसारी साहबी तुम अपनी लड़की मुझे दे दो। तो बड़ा खुश हुआ, ये मेरा तो नसीब है, आप दे दीजिए मेरी लड़की। अल्लाह के नबी ने कहा मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, ये जुलैबी के लिए मांग रहा हूँ। हाँ जुलैबी के लिए मांग रहे, मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करने लगा, नहीं अभी मैंने डिसाइड नहीं कर सकता, फैसला नहीं कर सकता, अपनी बीबी से मशवरा करूंगा जाके घर पे। बीबी कहते हैं कि हमसे मशवरा नहीं किया जाता, देखिए मशवरा कहना करिए, अपनी बीबी से मशवरा करूंगा। यहाँ तो बीबी से मशवरा नहीं तो शादी का पूरा दहेज पूरा सामान तो बीबी खरीद रही है, पूरी मार्केटिंग तो बीबी कर रही है, घर का पूरा सामान पूरा सौदा बीबी ला रही है, घर के अंदर तो बीबी चला रही है आजकल, वो तो सिर्फ इतना कहा था बीबी से मशवरा करो। हाँ मशवरा करो, हो गया। अपनी बीबी से मशवरा किया, ये मेरी बीबी अल्लाह के नबी ने कहा है जुलैबी से शादी कर दूं अपनी लड़की की। उसकी बीबी ने कहा कि नहीं नहीं मैं मर जाऊंगी लेकिन जुलैबी से कभी शादी नहीं करूंगी। देखने में बहुत खूबसूरत है, माँ तो दौलत नहीं है, नहीं नहीं सारी कस्ता जवाब दे दें। वो जिंदा लड़की पढ़ी लिखी लड़की बैठी हुई है
श्रीमान यकुजान आप क्या कह रहे हैं, ये किसी और ने पैगाम नहीं भेजा बल्कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा है। आपके पैगाम को अपने हुक्म को टुकड़ा करके मैं जहन्नम की मुस्तहिक नहीं बन सकती। फौरन पढ़ लीजिए थी कुरान करीम की आयत पढ़ती है, वो मा कान लिल मोमिनिन व ला मोमिनति इज़ा तलाक़ा रसूल अमरन अन यकून लहुम अल-खियरतु मिन अमरिहिम। किसी मोमिन मर्द के लिए, किसी मोमिन औरत के लिए जायज ही नहीं है कि चीज पर अल्लाह रसूल ने फैसला कर दिया, हुक्म पर दिया तो उसको ठुकरा दे। नहीं नहीं मैं ठुकरा नहीं सकती, आप रक्षा की नहीं करोगे, मैं खुद जाऊंगी और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं कहूंगी कि मेरा निकाह आप किसके आप लड़की से करते हैं। बात समझ में आ गई, बाप गया और अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी हाँ हाँ फैसला हो गया है, लड़की तैयार है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी कर दी, निकाह कर दिया। बरकत की दुआएं की, कुछ दिनों के बाद वो हिज गरीब जब जिहाद का ऐलान होता है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो जिहाद करने के लिए जाता है। जल जल कही है, जल के खात्मे पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को बुलाया और कहा कि ये सहाबा अला तफ्तिदून मिन अहदिन, क्या तुम्हारे अंदर कोई आदमी गायब तो नहीं है? ना आदमी को गिन लो, कोई गायब तो नहीं है। सहाबा ने कहा कि सारे लोग मौजूद हैं, जंग खत्म हो चुकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं मैं कुछ लेकिन को नहीं देख रहा हूं, वो कहां है जाओ तलाशो। सहाबा गए तलाश करने के लिए, जुलैबीब की देखा कि जुलैबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु की लाश पड़ी हुई है और उनके लाश के इर्द गिर्द में सात काफिरों की लाश पड़ी हुई है। अल्लाह के नबी को खबर दी गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर पहुंचे और कहा ये मेरे सहाबा जुलैबीब ने बहादुरी के साथ शिजात के साथ लड़ाई की, जंग की और सात काफिरों को जहन्नम नसीब किया, सात काफिरों को इसने कत्ल किया, बाद में वो फिर कुछ शहीद हो गए। हजरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलैबीब की लाश को अपने हाथ में उठा लेते हैं और कहते हैं कि ये सहाबा कब्र खोदो। कब्र खोदी जा रही है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलैबीब की लाश को लिए हुए हैं। आपके हाथ खटिया बन गई, खटिया इस तरीके से खटिया में लाश को रख दिया जाता है, उसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलैबीब की लाश लिए हुए हैं, कब्र खोदी जा रही है। अल्लाह के नबी खुद कब्र के अंदर उतरे और लाश को मैयत को रख दिया और दुआ करने लगे, हाजा मिन्नी वा अना मिन्हु, मैं जुलैबीब से हूँ और जुलैबीब मुझसे है, मैं जुलैबीब से हूँ और वो मुझसे है, इसी तरीके से दुआ करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस में इनको जन्नत पे आला मकाम पर फारिज करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और फिर जुलैबीब की बीवी के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाहुम्मा सुब्बल खैरा सुब्बल, अल्लाहुम्मा सुब्बल खैरा अलैहा सुब्बल, ए अल्लाह इनकी बेवा बीवी के लिए भलाई पर इकट्ठा कर दे, जमा कर दे, ये अल्लाह तबारक व तआला इनकी बेवा की वहां हिफाजत फरमाना। मिट्टी दे दी गई, सब कुछ हो गया, सहाबी रसूल और आप ये हदीस करते हैं। उस दुआ के बाद मदीने के अंदर अंसार औरतों में सबसे ज्यादा खर्च करने वाली जुलैबीब की बीवी थी, सबसे ज्यादा मालदार घर वो जुलैबीब का घर था, उस बीवी का घर था और सबसे ज्यादा अल्लाह की राह में माल दौलत जुटाने वाली वो जुलैबीब की बीवी हुई। मेरे प्यारे साथियों, ये नेक बीवी का फायदा होता है, घर के अंदर खुशहाली, दुनिया में सुकून और खुशहाली, मालदारी और इज्जत और मकाम, और कयामत में तो है ही है, सारी जिंदगी में तो है ही है मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए मालदार नहीं और खूबसूरती नहीं, हसब नसब नहीं, दीनदार लड़कियों का इंतखाब करें, इससे क्या होगा, आपकी जिंदगी बनेगी, आपकी औलाद की जिंदगी बनेगी और दुनिया के अंदर फायदा होगा और आखिरत के अंदर जन्नत-उल-फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएगा। ये मजमून चलेगा, आगे का बयान इंशाल्लाह आगे होगा, जो बकिया बयान है वह आगे यहीं से शुरू होगा इंशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हमें करने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा, या इलाह आलमीन कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, या इलाह आलमीन जब तक हम इस दुनिया के अंदर रहते ईमान इस्लाम के साथ, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान के साथ हो। वाकई सामने जिंदा Mm-hmm.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون